ओम शांति। आज 8 मार्च 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुनी और मंथन करें। मंथन हम प्रातः 6 बजे और साय 4 बजे करते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक के साथ जोड़ सकते हैं। चाहे आप गूगल मीट पर जुड़ें, चाहे आप यूट्यूब पर लाइव जुड़ें, और नहीं जुड़ सकते हैं या जुड़ने के लिए लिंक अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप लिख सकते हैं, हम आपके पास लिंक भेज देंगे। क्योंकि ये मंथन तभी अच्छा होता है, तभी समझ में आती है बात, जब हम आपस में बैठकर विचार सागर मंथन करें। इसके लिए बाबा हमें कहते, बच्चे बैठकर मिलकर विचार सागर मंथन करो तो एक दूसरे से सबको सहयोग मिलेगा। तो हम सभी साथी और सहयोगी बनके मुरली को सुनते हुए समझते हुए जब भी कोई बात ऐसी लगती है तो उसको मंथन में लाएंगे, तो नेचुरल हमें भी लाभ होगा और जो इसे सुनेंगे उनको भी लाभ होगा। ये सेवा का सबसे अच्छा साधन है। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। क्या करना है हमें? खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अब हमारे पास यहां बाबा ने क्या दिया है? पहली बात, साकाश लेना है। हमने किससे लेना है? शिव बाबा से। अब शिव बाबा साकाश देता है ये हमें समझना है, हमने साकाश लेना है ये भी समझना है, और साकाश मिलेगा कैसे उसके लिए हमें क्या करना है ये भी समझना है। तो बहुत अच्छी तरह से समझना है बाबा साकाश क्या देते हैं। हमें सच्चाई का ज्ञान देते हैं, हमें पवित्र बनने की विधि सिखाते हैं, और वो मुख्य साकाश देने का आधार है मुरली। बाबा हमें साकाश कैसे देते हैं? मुरली से देते हैं। ठीक है क्या नहीं? अब इसके बाद मुरली सुनने के बाद क्या करना है हमको? अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर, पहले बात क्या दिया हमें कि हमें खुशबूदार फूल बनना है, सीधा एकदम बाबा की श्रीमत पर चलकर जितना हम व्यवहार कुशल बनेंगे तो वो है हमारा खुशबूदार फूल बनना। और उसके बाद दूसरी बात बताई है कि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करना। हम जरा सोच कर देखें कि हम कौन आपस में बैठकर आज के टाइम में मीठी मीठी बातें कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? हम अपने परिवार में देखें, मां के साथ बैठ सकते हैं बच्चे? आज के टाइम में मां के साथ बैठ सकते हैं बाप मीठी मीठी बातें करने के लिए? बाप के साथ बैठ सकते हैं? कौन बच्चे अपने बाप के साथ बैठेंगे? ये बाबा कहता है मेरे साथ बैठ के बातें करो। वो बच्चे नहीं है, मीन्स विचार ही नहीं मिलते, विचार ही नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते विचार? बच्चे समझते हम एक्सपर्ट हैं, इनको क्या पता है, बुढ़ा बुढ़ा बुढ़े हो गए इनका जमाना गया मतलब। और हमारे लिए शिव बाबा से बड़ा गाइड कोई है नहीं। हमें जब ये समझ में आ गया कि शिव बाबा से बड़ा गाइड हमारा कोई नहीं, वही हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखा सकता है, वही हमें कल्प कल्प के लिए ऊंच बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, उसकी बात तो माननी माननी पड़ेगी। चलो डर के मारे मान लेंगे भाई, डर के मारे मान लेंगे, परंतु दिल से कब मानेंगे?
जब बाबा की श्रीमत पर चलकर हमें लगेगा कि हमारे में सुधार आ रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हम उन्नति को पा रहे हैं, तो फिर बात करने का दिल करेगा ना। अब वो बाप और बेटा तो बात कर सकते हैं जो बिजनेस करते हो, और वो बिजनेस की बात करने के लिए दोनों एक ही बिजनेस में हो और दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हो, एक दूसरे को सहयोग समझते हो, नहीं तो नहीं करेंगे बात कि इस काम को ऐसे कर ले, इस काम को ऐसे। वो तो बैठ के बात करेंगे ना। तो अमृत वेले हमने सारे दिन को डिसाइड करना है, तो हमें पता है कि बाबा हमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, उनके मार्गदर्शन पर हम अपने सारी दिनचर्या तय करेंगे तो वो अच्छी होगी, तो हम फिर बाबा की श्रीमत पर बैठने के लिए श्रीमत लेंगे। एक दिन हमने बाबा की श्रीमत ली, हमें लगा वाक्य में आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, तो अगले दिन हमारा दिल करेगा कि हम बाबा के साथ बैठे। अब सवेरे उठ करके नींद क्यों आती है, बाबा के साथ क्यों नहीं बात कर सकते? वरना सोचो, बाप और बच्चा बैठ करके बात कर रहे हैं, मां और बेटा बात कर रहे हैं, सो जाएंगे? क्योंकि सोने का आधार ही क्या हुआ, क्या हमें उसमें अटैचमेंट है, हमें उससे प्यार नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है? ये मेरा अपना अनुभव है कि कितनी भी हमारा स्टाफ बैठा होता है, मैंने कह दिया कि इनकी बातें बेकार है, मैं सो जाता हूं, मुझे नहीं मालूम फिर स्टाफ क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। मतलब एक कमांड देने की जरूरत है कि ये बातें मेरे काम की नहीं है। और आप सभी अनुभवी हैं, सभी ने कमांड दी हुई है, सभी इस बात को जानते हैं। जिनका कूलर बहुत तेज आवाज करता हो, पंखा बहुत तेज आवाज करता हो, क्या वो सो जाते हैं कि नहीं सोते? पर तो कोई जब कभी शांति में सोने वाला उस उनमें आ जाए, वो सारी सारी रात सारा दिन जागता रहेगा, वो कहेगा यहां मैं नहीं सो सकता भाई, मैं नहीं रह सकता, इतने शोर में तुम कैसे रहते हो? क्योंकि उन्होंने कमांड दे दी है, ये तो होगा, तुम्हें सोना है। इसी प्रकार से जब हम कमांड दे देते हैं, ये बुढ़े हैं, ये व्यर्थ की बातें करते हैं, तो हम सो जाएंगे। और बाबा की बातें समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, चल ठीक है सो जाओ। बाबा आ गए ना, योग में बैठ गए ना, हम हाजिरी लग गई, ठीक है। नींद आने का कारण ही है कि हम उससे बात करना जानते नहीं, बात करने की प्राप्ति बताए नहीं। जिसको बात करने की प्राप्ति समझ में आ गई है, वो बात किए बिना नहीं रह सकता। जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करे बेचारा, वो तो सोएगा सोएगा ना, उसका कोई कसूर नहीं है। उसको समझ में ही नहीं आया अभी तक। अब ये समझ में आने के लिए या तो उसमें इंटरेस्ट हो, या किसी को उस पर रहम आए और उसे समझाए कि कैसे प्राप्ति कर सकते हो, तब वो नहीं सोएगा, तब उसको नींद नहीं आ सकती। नींद फिट जानी चाहिए, बाबा के शब्द होते हैं, नींद फिट जानी चाहिए। नींद फिट जाने का मतलब क्या है? नींद आई ना, नींद आई ना, फिट गई है, अब तो नींद आ ही नहीं सकती। तो कर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। मतलब जब कोई बाबा से मीठी, सवेरे बैठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करेगा, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा, तो बाबा की सकाश मिलेगी, राय मिलेगी। खजाना तो दिया हुआ है, परंतु सकाश क्या है? उस खजाने को इमर्ज करना। बाबा नहीं आएगा इमर्ज करने के लिए, हमने बाबा की श्रीमत पकड़ रखी है, अब तक जितना समझा है उसी में तो बताया हुआ है। और यदि मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि बाबा ने क्या बताया है, तो उसके लिए बाबा ने कहा है मेरी मुरली उठा लो, अब पढ़ लो तो मिल जाएगा सकाश, तो ऐसे ही मिलेगी ना। ये तो है नहीं कि मैं बाबा के कमरे में जाके बैठ जाऊंगा, बाबा मेरी ये समस्या है तू अब इसको हल कर, मेरे को नहीं पता। क्या करेगा बाबा? कुछ ना करेगा, बाबा कुछ नहीं करेगा। मतलब बहुत अच्छी तरह से हमको समझ लेना है। तो ये है बाबा से साकाश लेने की विधि, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करना है। जब तक समझ में ना आवे, जब तक तो मुरली में भी नींद आ जाए। हाँ, आएगी नींद जैसे ही, या तो थकावट होगी, या बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे, परंतु जब आप
फ्रेश है, फिर आपको नींद आ रही है, मीन्स मुरली समझ में नहीं आ रही। और यदि मैं इसको मुरली को पढ़ना शुरू कर दूं एकदम, जैसे बच्चा पढ़ता है ना, तभी सो जाएंगे, तभी सो जाए, क्योंकि किसी उनको समझ में आ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा तो क्लास में सारे सो जाएंगे। फिर कहते रहो जाग के सुनो भाई क्या बात है, उसका नाम लो, उसका नाम लो, उसका नाम लो। मतलब जागृत अवस्था तभी रहती है जब हम कोई बात जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ रहा है, सुन रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जी, हाँ रुचि इंटरेस्ट आएगा तभी बाबा से बात करने का भी मजा, जिसको आएगा वही तो बात करेगा, वरना वो बात नहीं करेगा। आज की मुरली का प्रश्न, बाप को सब बच्चे नंबर वार याद करते हैं, प्रश्न देखो कैसा है ना, बाप को सब बच्चे नंबर वार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाबा याद करता है बच्चों को? अब देखो कैसे बच्चों को याद करता है, बाबा समझाते हैं। जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस का बहुत शौक है, बिना सर्विस के उनको कुछ सूझता ही नहीं, बस उनको आग लगी हुई है बाबा की श्रीमत पर सेवा करने की, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। सोचो बाबा याद करता है? कभी कहा है कि मैं बच्चों को याद करता? आज बाबा कह रहे हैं, पर तो बताओ कभी बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को याद करता हूं, करूंगा? याद करना माना, याद करना माना, कहना माना, वो हमारा कहना मानेगा? बिल्कुल ना माने, मना कर दिया, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुमने मेरा कहना मानना है, क्योंकि तुम्हें सुधरना है, मुझे नहीं सुधरना, मेरे से तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारा कहनू मानूंगा तो क्या करोगे तुम, मेरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे, ठीक है? मैं, मेरे को, मैं डूबना नहीं है। तो बाबा फिर क्यों कह रहा है कि मैं उनको याद करता हूं? और फिर बाबा को मतलब ये क्या होता है कि बाबा साकाश देते हैं या बाबा याद करते हैं, का मतलब है बाबा अपने पार्ट अनुसार दामा में उसका पार्ट है, तो किसी आत्मा से बाबा कहते ज्ञान उसको अच्छी तरह समझ में नहीं आता और वो सेवा में चात्रक है और वो सेवा पर उपस्थित हो गया है, परंतु सामने वाला उससे एडवांस है, उसको नहीं समझा पा रहा है, तो बाबा उसके तन का आधार लेकर उसको समझा देता है, उसको समझा देता है। वो भी शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा होंगे? नहीं, शिव बाबा, हाँ शिव बाबा, डायरेक्ट शिव बाबा, उसे कोई भी वो कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब वो आएंगे आपके शरीर का आधार लेंगे और उसको समझा कर चले जाएंगे, और आपको यहां पर लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये कैसे इसको मैंने बता दिया, ये मैं नहीं बता सकता, ये बाबा बता गया। मतलब बाबा अपना काम करने के लिए रोल है, तो वो देखता है कि बच्चा तो सेवा में उपस्थित है, अब ये सेवा हाजिर, सेवा करनी है, और सेवा तो बाबा की है और बाबा ही देख रहा है कि मैंने सेवा करनी है, तो बाबा तब उस आत्मा के शरीर का आधार लेकर वो दो चार लाइनें जो भी इशारा देना है वो उन आत्माओं को दे जाता है, परंतु वो काम बाबा का है, उसको अपना नहीं समझना है, क्योंकि ये भी कई कहते बाबा ने कहा कि कई बच्चों को अहंकार हो जाता है, हाँ मैंने समझा दिया इनको, है ना, अहंकार हो जाता है, मुरली में बाबा ने समझाया, वो भी ड्रामा अनुसार, ये नहीं है कि सबके तन का आधार ले, ड्रामा में कल्प पहले जिनके तन का आधार लिया था तो आधार लेंगे। और दूसरा साकाश क्या होता है कि आप रोजाना हर टाइम ज्ञान के पॉइंट्स मनन चिंतन करते रहते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो आप उस बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। ये भी बाबा की याद है ना। अब याद हमने किया
तो बाबा की श्रीमत हमें टाइम पर मिल गई। समय पर बाबा की श्रीमत काम आना भी बाबा का याद करना है समय पर, जिसके लिए मैंने, मेरे को समझ में आया कि कर्ण जो है वो परशुराम के पास गया था सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो परशुराम ब्राह्मणों को सिखाता था, क्षत्रियों को नहीं, क्योंकि क्षत्रियों का वो दुश्मन था। तो अब इसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, अब इसने झूठ बोला था कर्ण ने और उसको ज्ञान दे दिया। और उसके बाद एक दिन जो है ना, पता लगा उसको कि ये तो कर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि जब गुरुजी जो है ना उसकी गोदी में सिर रख के आराम कर रहे थे तो इनके जो है ना, हाँ जीवन किसी भी काटा तो बिल्कुल भी नहीं हिले। तो बाद में पता लगा तो उसको समझ में आ गया कि ये है जी, हाँ ये नरेंद्र भाई जी, किसका खुला हुआ माइक? अच्छा, तो उसके बाद क्या होता हमारे पास कि उन्होंने पता लग गया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो तुझे मैंने ज्ञान दिया है समय आने पर काम नहीं आएगा, और वही हुआ, काम नहीं आया। तो बाबा का ये तो दुनिया की रीति से कह दिया, परंतु बाबा का ज्ञान उन्हीं को काम में आएगा जो ज्ञान को प्रॉपर रोजाना व्यवहार में लाते रहते होंगे। तो अंत समय अंत मति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा हमें समझना है कि बाबा की याद क्या है। बाबा हमें याद नहीं करेगा, बाबा हमारा कहना नहीं मानेगा, केवल समय पर बाबा का ज्ञान हम प्रयोग करने में सफल हो जाएंगे यदि हम निरंतर करते रहते हैं। तो ये आत्मा जहां सर्विस दिखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं, बाप उसे याद करते हैं, समय पर वो श्रीमत पर चलकर सफल हो जाता है। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं और शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये इस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। आज बाबा नए भगत बच्चों के सामने बैठे हैं और भगत बच्चों के हिसाब से समझा रहे हैं, और हमने दोनों रीति से समझना है, भक्त की रीति से भी समझना है और ज्ञानी बच्चे की समझ से भी समझना है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, बाबा कहते हैं याद करने के लिए पहले शरीर याद आएगा। जब तक शरीर को नहीं याद करेगा उसमें आत्मा को कैसे याद करेगा? दिखाई तो शरीर देता है ना, वे उसका नाम तो शरीर का लेंगे ना कि उसकी आत्मा को याद करते हैं। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाना कौन? शरीर। शरीर का नाम लेंगे ना, रामलाल, अशोक, सीता, गीता, मतलब उसकी आत्मा बहुत अच्छी सेवा करती है। तो नाम किसका लिया? पहले शरीर का। पहले याद कौन आया? शरीर याद आया, तब उसके बाद आत्मा याद आएगी ना। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं, इतने बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं। महिमा किसकी है? आत्मा की ही की जाती है। धर्मात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ये आत्मा को ही कहा जाता है। इतने बड़े शरीर को कोई महिमा नहीं दी जाती। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी सर्विस करती है। पहले तो शरीर याद आता है, बाबा कहते पहले तो शरीर याद आता है ना। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। बाप को करता है? याद करते हैं बाबा, याद करते हैं बाबा। टच करता है कि इस आत्मा को अब समय आ गया है, बाबा का ज्ञान उस आत्मा को समझ में आता है, वो आत्मा खींची चली आती है। ये बाबा का साकाश देना है। वो कौन सी आत्मा खींच चली आती है उसके लिए बाबा कोई विशेष आत्मा को साकाश नहीं देता, ये ज्ञान के आधार पर समझना है। ये भावना वाले बच्चों को हम कहते हैं, देखो आपको कौन पकड़ कर लाया? मैं बुला के लाया हूं,
नहीं, कौन बुला के लाया? आपको भगवान पकड़ कर आया। वाक्य में मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं था सेंटर पर जाने का, मुझे तो भगवान ही पकड़ कर आया। हम भी भावनात्मक उसको ब्लैकमेल कर देते हैं, परंतु सच ये है कि बाबा का ज्ञान या बाबा का जो समय अनुसार ड्रामा अनुसार उस आत्मा को आना था, उस आत्मा को ड्रामा अनुसार आना था। बाबा किसी को पकड़ता नहीं फिरता, क्योंकि ड्रामा अनुसार उसने सेंटर पर आना है और उसको ज्ञान समझ में आना है और उसके जीवन में परिवर्तन आना है या नहीं आना है वो अलग बात है। मतलब ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, परंतु बाबा एहसान रख रहा है कि मैं सबको याद करता हूं, देखो मैंने आके तुम्हें ढूंढा है इतनी बड़ी दुनिया में से। एहसान रखते हैं ना हमारे ऊपर, हम पहले भावुक होके खुश हुए। वाक्य में इतनी बड़ी दुनिया में हम इतने गंदे थे, हमें भगवान ने आके चुना, अपना बनाया। वाक्य में बहुत बहुत मेहरबानी है, ठीक है नहीं? पर तो अब समझ में आया, दो तीन दिन पहले बाबा ने क्या कहा, मेरी ड्यूटी है। जब उसकी ड्यूटी है तो ड्यूटी पूरी करेगा ना, सारी दुनिया को पति से पावन बनाएगा ना। तो बाबा कहते मुझे कोई थैंक यू करने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई बच्चे बाप को थैंक यू करते हैं कि आपने मेरे को आज माँ को रोटी बना के दे दी, थैंक यू मम्मी। आजकल मम्मी बोलवाती है, कहते हैं बोलवाती है, बच्चा भी रिवाजी बोलता है थैंक यू मम्मी, चम्मच दिया थैंक यू मम्मी, ठीक है नहीं? वो रिवाजी बोलता है परंतु हाँ दिल वाली बात नहीं। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। बाबा कहते मैं जब आत्माएं मेरे सामने आते मैं उस रूप को देख आत्मा को देखता हूं, मैं शरीरों को नहीं देखता हूं। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है, जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। भाई ब्रह्मा बाबा याद आएगा तभी तो उसमें याद आएगा कि शिव बाबा आया है। पूछते हैं हम कैसे याद करें, भाई बहन पूछते हैं बाबा से हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें, ये सारी दुनिया का प्रश्न है। ठीक नहीं? बाबा कहते मैं परम धाम में मुझे याद करो, कभी कहते हैं इसके तन में याद करो, इसके बिना तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो, इसके बिना तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो, ठीक नहीं? करके दिखाओ, बाबा चैलेंज करते हैं, क्योंकि मैंने आके जो भी बात बतानी है तो वो इसके द्वारा बतानी है। अब इसके द्वारा ही तो तुम जानोगे ना, तो इसके द्वारा ही तुम मुझे लेटर लिखोगे, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, वो पोस्ट बॉक्स तो मेरा यही है, ठीक है? तो बहुतों का प्रश्न उठता है, अब बाबा कहते याद तो आत्मा को ही करना है ना, पर तो शरीर भी जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा, तो जरूर कौन याद आएगा, शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है, हाँ बोलो भाई कुछ बोलना है। राजेंद्र प्रसाद जी माइक बंद करो, आरपी भाई जी आपका माइक जो है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आरपी भाई जी अपना माइक बंद करो। शरीर याद आएगा, फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है, फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस फूल में खुशबू है, फूल से सबका प्यार होता है, गुलदस्ता बनाते हैं उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं, जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं, फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो
किसको याद करते होंगे? बाबा को याद करें ना। शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा पूछ रहे हैं कहां याद आता होगा। बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है। पहले ये बाबा याद आएगा, फिर याद आएगा कि इसमें शिव बाबा है, क्योंकि नए बच्चे बैठे ना तो उनको उसी तरीके से बताएंगे। क्योंकि हां जी ये तो होता है कि जैसे बैठते हैं सुबह, कई बार ऐसे मधुबन में पहुंच जाते हैं, कमरे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया। अब शिव बाबा कहां आ गया? परमधाम से नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम है नहीं, है कोई काम परमधाम में? इसको कोई काम है? परमधाम कौन सा कमरा बना हुआ है? जो भी है, मतलब परमधाम में तो संकल्प भी नहीं है, भूगल भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो वहां तो इसको कोई काम है ही नहीं ना। यहां आ गया है ना अब, ठीक है, वहां जाकर करेगा भी क्या? तो वहां जाकर क्या करूंगा? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा याद आएगी। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, इनकी सर इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं, बहुत मीठी मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। कब आते हैं आंसू? कभी आए किसी को आंसू? बाबा के प्यार में कभी किसको आंसू आए? सुनाओ कब आए, क्यों आए? जब मैं पहली बार बाबा के रूम में बैठा था वसंत विहार में, बहन जी ने कहा इनको बाबा के रूम में बैठाओ, तो फर्स्ट बार बैठा, मुझे दो दिन हुआ था, और वहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मैं आधे घंटे तक आंसू वगैरह बैठे रहे। तो बहन जी ने गेट पे आकर बोला भाई आ जाता, तो मतलब आंसू आए। अब मुझे ये बताओ कि जब आपको आंखों से प्यार में, बाबा के प्यार में आंसू आए, क्यों आए, क्यों आए? खुशी के आंसू, वो दुख के आंसू नहीं थे। मतलब हमें अचानक कोई चीज प्राप्त होती है जिसके हमने ख्वाब में सोचा नहीं था, वो हमें मिल जाता है तो आंसू आते। अब अमृत वेले बैठकर बाबा के पास आंसू आए किसी को ज्ञान में आने के बाद? ये तो ज्ञान अज्ञान से ज्ञान में आ रहे थे, अचानक प्राप्ति हुई। अमृत वेले बैठकर आपको रोजाना आंसू नहीं आते, कभी कभी आए, वो कभी वाले याद करके मुझे बताओ क्यों आए? इतना याद नहीं, परंतु आप समझना है, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ प्राप्ति कर चुके होते हैं, फिर हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो आंसू आते हैं। जिस दिन आपने प्राप्ति नहीं की, उस दिन सवेरे योगी नहीं लगेगा, आंसू तो आने की दूर की बात है। भाई जी, पर जब हम मतलब भावना की तरह सोचते थे ना, जैसे आपने कहा कि बाबा ने हमें ढूंढा, शुरू में नशा वो प्राप्ति थी ना, लालच था ना, बाबा बहकाया था ना बाबा ने। अब तो पता लग गया कि बाबा ने हमें ढूंढा नहीं, हमारा हम तो ड्रामा के अनुसार आए हैं, क्योंकि बाबा के सामने भगत बच्चे बैठे हैं, उनको बहका रहा है, अब हम तो ना बहकेंगे। हम सियाने हो गए ना, अब हम सियाने हो गए, अब हमें और प्राप्ति हो तब तो आंसू आए। अब हमें आंसू कब आएंगे? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर कोई विशेषता, विशेष गुण अपने में डेवलप करेंगे, तब हमारी आंखों से प्यार के आंसू आएंगे। अब जो चीज पाली वो तो पाली ना, अब और चाहिए ना, अभी हमारे बढ़िया बढ़िया कार माल हो वो हमें मिल गई, अब उससे तो पेट नहीं भरता, ये तो कोई और इससे बढ़िया कार जो है ना वो चाहिए, तो बड़ा हमारी इच्छाएं जो है ना, हाँ मतलब ये आंसू प्यार के आते हैं, और प्यार तब होता है जब प्राप्ति होती है।
अब प्राप्ति होना बंद हो गया। शुरू शुरू में तुम्हें नया नया ज्ञान मिला था, तो उस ज्ञान को सारे सोच रहे थे अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो यहीं आके पता लगा। अब वो पता लगे अब तो खत्म ना उसका, अब कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इसलिए बाबा कहते तुम चढ़ती कला में रहेंगे तो उमंग उत्साह बड़ा रहेगा, यदि आप रुकती कला में हो गए तो उमंग उत्साह नहीं होगा। तो हमें प्रेम के आंसू रोजाना आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो हम रुकती कला वाले बच्चे हैं। तो यहाँ क्या करें अगर माने ऐसा हो रहा है, रुक गए हम तो सुधो, फिर दोबारा से क्या? बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह मंथन करके जीवन में लाओ, क्योंकि और तो कोई खुशी दे नहीं सकता ना। हम रुक गए, हमने सोचा बस जो सुधरना था सुधर के सारा, मैंने ही सुधरना, क्या कोई और तो सुधरे, वरना सब का वो सुधर नहीं पाएंगे, मैं सारा सुधर जाऊंगा तो बाकी को तो कुछ सुधरने के लिए दिया जाए। पर हम रुक गए हैं, हमने अब पुनः अपने आप को समझाना है और आगे बढ़ना है, इतने में रुकना नहीं है। ये हमारी क्या है, चतियां हैं, चतियां बताया था ना बाबा ने, चटिया जो है ना रास्ते में लगे होते हैं, 10 किलोमीटर रह गया, 9 किलोमीटर रह गया, 8 किलोमीटर रह गया। तो आप जब जीरो पर पहुंचोगे तब ना, जीरो पर पहुंचेंगे जब हम परम धाम जाएंगे, तब तक ये हमारी सारी चट्टियां हैं रास्ते की, जो चट्टियां लगी होती हैं कि भाई अब अंबाला इतने किलोमीटर है, अब इतने किलोमीटर है, अब इतने किलोमीटर है, साइड सीन दिखाने। तो अब ये रुक नहीं जाओ वहां, अच्छा बस अब 5 किलोमीटर रह गया ना, अच्छा ये लास्ट में हो जाएगा, अब भी करो ना। मेरी बात समझ गए होंगे कि हमारे आंसू क्यों रुक गए हैं। पर तू ये मुरली में नहीं कह रहा है बाबा, ये बाबा मुरली में कह रहा है आंसू गिर पड़ते हैं क्यों, क्योंकि तुम्हें खुशी मिल रही है। बाबा को और धंधा ही क्या है बताओ, नए नए बच्चे बैठे ना, सबको याद करता हूं, सबको याद करते हैं, बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है। क्या याद आ रहा है बाबा को, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती है, किसको सुख नहीं देती है, ये अपना ही कल्याण नहीं करती है, बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना, समझा रहे हैं सकाश देना कि अब बच्ची याद कर, अब बच्ची याद कर, अब याद करेगी तो उसको उमंग उत्साह आएगा। और हम याद नहीं करे तो हमें भी यही बात है ना, हम अगली क्लास में आ गए तो हमें अभी अभी भी हमें याद नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम रुक गए हैं ना। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, कब तक रहता है, जब तक करंट आ रहा है। करंट आना बंद का मतलब कनेक्शन रुक गया ना, कहीं ना कहीं बीच में करंट रुक गया है ना, तभी तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं जुड़ रहा है ना। वरना बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा तो बाबा से प्राप्ति हो रही है। वही क्वेश्चन है मेरा कि अगर ऐसे रुक जाता है आत्मा, तो उसको कनेक्शन को जोड़ने के लिए कुछ युक्ति बाबा बताए, बता तो दिया, अब उठ जाओ, अब मेरे के अनुसार करो, कुछ भी मेरे डायरेक्शन पर करो, कुछ तो करो, आप जो मेरे डायरेक्शन पर करोगे वहां सिद्धि है, और कुछ नहीं करना तो तुमने। बाबा कहते मैं तो करूंगा नहीं, ना तो मैं तुम्हें याद करूंगा, बस आज कह रहे मैं याद करूंगा, वैसे बाबा याद हमें नहीं करेगा, ना करता नहीं करेगा भी नहीं, ये अपने दिमाग से भी निकाल देना है, ठीक नहीं। बाबा सिर्फ बता दिया, करना मन चलना हमको है, खुशी नहीं मिल रही है, बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, तो बाबा की श्रीमत पर उठो, कोई सेवा करो, कोई सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा करो, जब उससे प्राप्ति होगी ना तो खुशी होगी, जब दुआएं मिलेंगी तो खुशी होगी, और दुआ बिना सेवा के मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। बोले ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात करोगा। आप किसको याद करेंगे तो आपका उनको क्या होगा, साक्षात्कार होगा। लास्ट में सेवा यही चलनी है ना, मतलब आपको वो याद करेंगे, आप उनको याद करेंगे, उनको लगेगा कि वो आए और हमारा कल्याण हो गया, वो आपका इशारा मान जाएंगे, आपकी बात स्वीकार कर लेंगे।
क्योंकि आप उनको याद करेंगे। याद करने का मतलब समझा, बाबा ने अपनी याद से बताया कि वो बच्ची का बुद्धि नहीं लगती है, याद नहीं करती, तो उसको क्या सकाश देंगे, बच्ची अब याद करो। आपने भी सारी दुनिया को क्या सकाश देना है, आत्मा भाई परम धाम से आ गया, ले ले अपना भाग्य, फिर ना मिलेगा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चले जाओ। अब वो साकाश उसको मिलेगा और वो सेंटर पर जाएगा और उसका कल्याण होगा। तो आपने सारे विश्व की आत्माओं को क्या साकाश देना है, उस भगवान को, वो भगवान आया है, तुम आत्माओं का बाप आया है, तुम उनसे अपना अधिकार लो। ये आप वाचा से बता सको, ये आप मनसा से बता सको, ये आप अपने कर्म उसका कर्म से बता सको, ये आपकी सेवा है। तो इसमें आप बिजी रहेंगे तो आपको जरूर क्या होगा, बाबा याद रहेगा। साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, मतलब कोई आत्मा का साक्षात्कार कर ले, बिंदी को देख ले, क्या समझेंगे, शरीर ही याद आता है, आत्मा तो है छोटी, परंतु याद करती तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। आप उनको याद करते हैं जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वे भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं, ये वर्णन भी संगम पर ही है। जो ब्राह्मण से ट्रांसफर होकर क्या बन जाते हैं, देवता, ये वर्णन भी कब मिलेगा, संगम पर ही कर सकते हैं। जब फूल बन गए वहां नहीं होगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। ये देवी फूल या आश्री फूल है, फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम बात पर, ये कम पढ़ते हैं दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है, ये शिव बाबा बाप भी है और क्या है, टीचर भी है, बाप तो है ही, परंतु टीचर पने का जास्ती पाठ चलता है। शिव बाबा बाप तो है ही परंतु टीचर पने का रोल ज्यादा होता है, टीचर को तो रोज पढ़ाना है, छुट्टी भी नहीं मिल सकती, कैसी सख्त ड्यूटी है। हम तो छुट्टी कर ले, छुट्टी कर सकते हैं ना, हम तो कर सकते हैं ना, बाबा नहीं कर सकते। इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं, सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, ये सब वे सब्जेक्ट है याद की। फिर दूसरी सब्जेक्ट है मुरली चौथी है, वो है पढ़ाई सब्जेक्ट, पढ़ाई की सब्जेक्ट, मुख्य है ही योग और पढ़ाई, इनको उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। पढ़ाई है ज्ञान और इसको विज्ञान में क्या होता है, प्रैक्टिकल करना, जो बाबा ने समझाया उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं, वो योग है, ठीक नहीं। ये ज्ञान विज्ञान भवन है, माउंट आबू में ज्ञान विज्ञान भवन भी रहने के लिए बना दिया, याद रखने के लिए, जहां बाप आकर सिख लाते हैं, ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है, बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं कि सबके भूत फट से निकल जाएंगे, हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे, जैसी तुम्हारी चलन होगी वैसा तुम पद पाएंगे। ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया को ट्रांसफर नीचे हो रहा है, ये दुनिया क्या हो रही है, ट्रांसफर नीचे हो रही है, परिवर्तन तो इस दुनिया में रहा है परंतु ये रोजाना चरित्र में गिरती जा रही है, करेक्टर बॉटम की तरफ गिरता जा रहा है और तुम्हारा हो रहा है, कितना फर्क है, तुम ऊपर सुधरते जा रहे हो और वो बिगड़ते जा रहे हैं, तुम्हारी है चढ़ती कला और उनकी है गिरती कला, कितना फर्क है, वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है, तो तुम कहते हो हम संगम योगी हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप को आना पड़ता है, तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में।
बाकी सारी दुनिया क्या है, घोर अंधियारे में है, भक्ति को भी बहुत अच्छा समझते हैं। क्यों क्यों अच्छा समझते हैं? क्योंकि ज्ञान का उन्हें मालूम ही नहीं, ज्ञान का उन्हें मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। जब सत्युग में चले जाएंगे फिर कोई ज्ञान की बात नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर सुनाते रहेंगे। जो महारथी बच्चे होंगे ना, वो इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, फिर सबको सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहां से निकले, ठीक कथा सुन ली भगवान की, अब मेरी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, भगवान अब तो कर देना मेरा काम। बस भगत की तरह आए, कथा सुनी और घर चले गए, खत्म। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं कि कर्म तो हमें संसार में आके करने ही करने हैं, परंतु आत्मा समझ करके जो कर्म करते हैं वो अकर्म है, और जहां हमने देह समझा तो विकार हुए और कर्म विकारी बन गए तो उसे विकर्म कह दिया। राज भी भगवान ही समझाते हैं, ये राज भी परमात्मा ही आके समझाते हैं। ये है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होनी है, विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो। तुम कहां खड़े हो? संगम युग पर खड़े हो। हां जी, ये विकर्म वाली बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि देह समझ के हम करते हैं वो मतलब विकर्म होते हैं, तो इसमें हम कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन हम समझते देह ही हैं, हमें ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा है, तो वो भी क्या विकर्म है? आपने यदि कितना अच्छा कर्म किया देह समझ करके, वो विकर्म है। वो भी विक्रम है। विक्रम कैसे भाई? विक्रम तो मतलब कैसे, जैसे किसी को दुख देना होगा ना। आपने देह समझ करके जो दिया ना, वो देह समझ करके ही आपको लेना है, और वो दुख ही है, वो देह के बंधन में है, ठीक है ना, उसको विकार ही कहते हैं। आपने किसी को मान लो बहुत सुख दिया है, उसकी सेवा की है, जख्मी था उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, आपने उसकी खूब सेवा कर दी, परंतु वो मिलेगा कब आपको? वो सेवा आपको कब मिलेगी? वो देगा तो मिलेगी। देगा तो किस सिचुएशन में देगा? देह को देगा ना। जब कभी आपके साथ वो सिचुएशन बनेगी, कुछ ऐसे तकलीफ होगी, जरूरी कि आपका भी उसी प्रकार से हो, परंतु कहीं आप दुखी होंगे तो वो आकर के उस समय आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है नहीं? तो ये क्या है, हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं ऐसा तो नहीं चाहिए भाई जी, लेकिन किसी ड्रामानुसार मिलेगा ना, जो आपने दिया वो मिलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ नहीं करने चाहिए। आप यदि नहीं करोगे, वो दुखी है, वो तड़पता रहा, आप उसको देखते रहे, तो जब आप दुखी होंगे वो भी देखता रहेगा, मजा आएगा आपको। मैंने नहीं फसाया भाई, मैंने नहीं फसाया, ये कर्मों की बड़ी गुह्य गति है, ये बड़ी गुह्य गति है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जितना हम किसी का भी भला कर, जितना भी हम किसी का कल्याण कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने का करें। हाँ ठीक है, कम से कम हम भाई जी करना चाहिए, आपको जो उस समय समझ में आ रहा है वही आप करेंगे। मैं आपको कहूं कि आप करो और आपको समझ में आ रहा है नहीं करना, हिसाब किताब नहीं है, तो आपको विचार ही ऐसा आएगा, आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं और आंख फेर करके चले जाएंगे। और यदि आपने उसका कर्जा देना है, हिसाब किताब है, तो आप उसको सहयोग देंगे, मेरे हां करने या ना करने से इसका कोई मतलब नहीं है। पर तो हमें एक मानव की दृष्टि से हर जीव की, हर आत्मा की मदद करनी है, सहयोग देना है, ठीक है नहीं, ताकि उनको दुख की फीलिंग नहीं हो। आपका उसको सहयोग देना, उसको सुख की फीलिंग हुई, तो वो भी आपको सहयोग देगा तो आपको भी सुख की फीलिंग होगी। अब आप समझ सकते हैं कि देना चाहिए, परंतु वो अकर्म नहीं है,
क्योंकि देह समझ करके हमने दिया है और देह समझ के ही हमको लेना है, वो कहलाएगा विकार में ही। पुण्य कर्म होता ना, उसका मतलब यही होता है कि भाई किसी को हम दुख ना दें, हमारे किसी कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, इसका मतलब यही तो पुण्य कर्म ना? भाई जी, पुण्य कर्म आत्मा समझ कर किया गया कर्म और देह समझ के किए गए कर्म का अंतर तो रहेगा ना। वो अंतर समझ करके आपने अच्छे कर्म करो, उसके लिए हम मना नहीं करें, परंतु वो कहलाएगा विकर्म, उसे हम अकर्म नहीं कहेंगे। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वे है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई देते आकर बैठते हैं तो झट पता लग जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसके बोल, उसके कर्म, एक्शन सारे वातावरण को खराब करते रहेंगे। पत्थर बुद्धि तो है ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पत्थर बुद्धि है, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। अब जो गंदे वातावरण में आकर बैठ गया, अच्छे वातावरण में कोई गंदा आके बैठ गया, तो दूसरे की भी बुद्धि के विचार क्या होंगे, खराब होंगे। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, दंड भी 100 गुना पड़ जाएगा। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है, अब चेक करने के लिए आ जाए, हमको क्या पड़ी, किसी ने चेक करा था टाइम में। अब जो करेगा, बाबा कहते हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। कैसे चेक किया? ऐसे भी बाबा बहुत आते हैं भाई जी, जासूस, गवर्नमेंट के जासूस, अलग अलग प्रकार से बहुत आते हैं, मतलब आकर के उन्होंने बहनों को टच करके देखने के लिए, तो उन्होंने फिर बताया तो उनको समझ में आ गया कि करेक्टरलेस नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि हर एक अपना सोच है, गवर्नमेंट भी भेजती है ना संस्थाओं को देखने के लिए। हाँ, क्या बात करते हैं, अब जो डूब जाए तो कहेंगे संस्था बेकार है भाई, संस्था खराब है, मतलब ऐसे। अब हर प्रकार की आत्मा है, अब जो है ना, जो गिराना चाहते हैं संस्था को, बदनाम करना चाहते हैं, वो भी ऐसे आते हैं, वो भी करते हैं, अपने हर एक प्रकार के हैं, सब अपने अपने तरीके से सब कुछ चलता है, अलर्ट रहना हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। पता लग गया ना। अब ये प्रश्न ना पूछते, मंथन ना करते, तो ये बात भी हमें समझ में नहीं आती। बाबा हर बात को समझाता है, बाबा कहते हैं तुम निश्चिंत रहो, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे, अपनी राजधानी में जाकर भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहते हैं इसमें है, ए बाबा में। परमधाम छोड़कर दूर देश का रहने वाला आए देश इसमें बैठा है, उनको तो बहुत सर्विस करनी है, उनको तो बहुत सर्विस करनी है, अभी तो शिव बाबा को बहुत सेवा करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहां सर्विस करनी पड़ती है, वहां जाके क्या करूं, वहां तो कोई काम नहीं है, यहीं बैठा हूं। कहते हैं मैं सर्विस करनी है, संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहां ही है, तो यहां ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए, सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेगा, ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी में बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें अब संगम पर होती हैं, सतयुग में नहीं होती, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम नहीं जानते हो, अभी तक पहले नहीं जानते थे, क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ने भी गुरु ढेर सारे किए,
कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वो साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण, इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। यहां तो सुनते हैं, यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं है। बाप कहते हैं कहां भी जाते हो बैज पड़ा हुआ हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है, शर्म नहीं करनी है कि बैज लगा के जाएं। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनवाया है, किसको भी समझा सक समझा कर दो, समझा कर दे भी दो। उस टाइम बाबा का ये डायरेक्शन मिला नयो को ना, दे दो ताकि उनको बैज लगा होगा तो हमारी संख्या तो बढ़ेगी ना। जैसे कांग्रेस होते हैं झंडा दे आते हैं, वो दूसरे होते हैं अपना झंडा लगा के आते हैं, ये घर हमारा है, झंडा जिसका लग गया चाहे उसका वोट देने की नियत हो या ना हो। तो कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है, ले लो। वो धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकता है। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है, मनुष्य मारा जो दान ना करना चाहता तो जो दान ना करे, होते हुए भी ना करे, उसे मनुष्य कहते हैं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ माताओं को दे दिया, तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी, स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने थे नहीं, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी। जिसपे बड़ी बिल्डिंग है, अब शरीर छूटने का टाइम आए तो उसको बिल्डिंग याद आएगी ना। एक बहन ने कहा भाई जी सपना देखा आग लग गई है, मैं कह रही हूँ जाओ वो अलमारी में से सोना तो निकाल के आओ, नहीं तो मैं जाती हूँ। पर सपने में भी उसने बताया, क्योंकि होगा ना भाई आग लग गई है मेरे मकान को, सोने वाला तो डब्बा निकाल लाओ ना। तो मतलब कहने का यह है कि जो चीज जिसमें ममत्व होगा वो लास्ट में खींचेगी, प्रजा में जरूर आएंगे। परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास, कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनुष्य होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, ये नहीं समझते कि हमारा पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्त मार्ग में भी है, भगवान को वारिस तो भक्ति मार्ग में बनाते हैं। कहते रोज है तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, परंतु तेरा भी मेरा। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वो कंगाल हैं? जो उनको देते हैं समझते हैं, ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर उसके बदले में हमको देंगे। दूसरे जन्म में मिलता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ किसको दे दो? किसको दे दो? बाबा को दे दो, समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका, इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वे कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, किस काम के? वो कोई काम के नहीं है, वो कहते अंदर में हमें सारा पता है पर तो समझा नहीं सकते। बाबा ने छांट के बाहर खिला दिया, कोई काम के नहीं। बाप कहते दे दान जो तुमने लिया है जाके बांटो तो ग्रहण छूटेगा। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वो सबके देते जाओ तो भारत व सारी दुनिया पर, भारत व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। मुक्ति धाम में जा रहे हैं ना, जीवन मुक्ति में जाने वालों पर बृहस्पति की दशा होगी ना। जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जो अपने आप को सत्युग के लायक बनाएंगे, उन पर बृहस्पति की दशा। जो जा रहे हैं सिर्फ मुक्ति धाम में, उनको कोई भी हाँ कोई दशा। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझना है, ये थोड़ा बहुत विषय जो ना बड़ा है, इसको मैं बाद में आपके साथ चर्चा करूंगा। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु, ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की, ये दो शब्दों की विशेषता का वर्णन आज के वरदान में किया है। दोनों का अपना 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 महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का ये संसार खेल है, तो ये तीनों के तीनों ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, और बूंद है शुद्ध संकल्प। एक एक शुद्ध संकल्प बढ़ते बढ़ते हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। रू रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, जो एक एक बूंद डालते हैं ना सिलविंग पर, परंतु हम बाबा की श्रीमत से एक एक संकल्प श्रेष्ठ करते जाते हैं तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी अभी तक चला आता है। शिवलिंग पर बिंदी लगाते हैं और बूंद बूंद डालते हैं। स्लोगन, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो, ज्यादा बोलेंगे तो वेस्ट होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।